विधानसभा चुनाव को लेकर दुमका जिला के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शिकारीपाड़ा कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां के गरीबों व किसानों के बारे में हम लोगों से अधिक कोई नहीं जान सकता। यहां कोई बीमार हो जाए, बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना हो या बिजली का बिल भरना हो, यहां के लोगों को उधारी लेने की नौबत आ जाती है। समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर केस दर्ज हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना मजबूरी बन जाती है। हमारी सरकार ने सारा बिजली माफ करा दिया, ऐसा उपाय कर दिया कि अब महीने का बिल ही नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि 5 साल में इतना मजबूत करेंगे कि किसी को किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा और यहां तक कि 5 साल में महिलाओं के हाथ को मजबूत करेंगे। वो हाथिया में शराब नहीं बेचेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए सीएम उत्कृष्ट विद्यालय बनवाया गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की व्यवस्था कराई गई है जिससे गरीबों की स्थिति में सुधार हो सके। गरीब इतना बोझ के नीचे दबा हुआ है कि बेचारा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने संकल्प लिया है और सारा बकाया बिजली बिल माफ किया। झारखंड की जनता को आज हम यह आश्वासन देते हैं कि आप 24 घंटे बिजली जलाएं, लेकिन आपके घर का बिजली बिल ही नहीं आएगा। यह बात आप पूछना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 साल तक राज किया, लेकिन इस राज्य के गरीब जनता के लिए ऐसा एक भी ऐसा काम क्यों नहीं किया। ये लोग सीएनटी एसपीटी की बात करता है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को घुसपैठियां बोलता है, अजीब स्थिति है। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोटी मोटी रोटी माटी बेटी की बात करता है, लेकिन भाइयों यही लोग हैं जो विकास के नाम पर हम लोगों को विस्थापित करता है। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो यह उनके आंखों में चुभ रहा है। मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का काम किया, सोचा कि झुक जाएंगे, लेकिन उनको यहां पता नहीं कि आदिवासी समाज, दलित समाज व मूलवासी इनको सबक सिखाएगा। इसलिए मित्रों, आने वाले 20 नवंबर को चुनाव के दिन सभी लोग झामुमो के पक्ष में वोट डालकर आपके अपने चहेते विधायक आलोक कुमार सोरेन को जिताने का काम करें। मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 1,000 रूपये महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित कर महिलाओं के सम्मान को झामुमो ने सम्मान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा छोड़कर झामुमो में शामिल हुए बुधराय हांसदा को पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में योगदान कराया, जबकि सैकड़ों महिला पुरुष ने झामुमो का दामन थामा। इस मौके पर दुमका लोकसभा सांसद नलिन सोरेन, झामुमो नेत्री सह जिला परिषद अध्यक्ष जोयस बेसरा, अब्दुल सलाम, जब्बार अंसारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं उपस्थित थे। अद विधानसभा बता दो अलग बाबू को दिमाग कार्या इंडिया ने लुटो मुंह मचा सराब में शिकार करा रहा अलग बाबू की होगी ध्यान कंटी लिगेज दो तो लिखाना कमी विकास रिया कमी किल का काबोबल महत किया उना को कमी नो या बोरे हेमंत सोरेन निश्चित रूप से युग का संकटा वो जितल लिखा आर हमने ब्लू ब्लैक का निश्चित रूप से बस कमी हुआ आज हम यहाँ को जल्दी मांग में कहते इन गलिये की मेहना इन चिल्का 35 वर्षों की कमी किया आज अपने बिजनेस किया रोड धान को ढोप होई होई ना आज उनका के इन जा आशीर्वाद आज गुरु जी आशीर्वाद कर दिया ने इन्हीं यह आशीर्वाद पे आपके लिए कोई आलू छोरे टिकट नाम करा आज दिन तो नवा टिकट का नाम का आप यहाँ करो ते जो जब हम घोट पे जाए आज 10 दिन की वो कैसे जब दिन तो है समारोह पहचान है उसके लिए भी झारखंड मुक्ति मतलब मोर्चा लड़ाई कर रही है, आंदोलन कर रही है और हमारे जो यहाँ के अधिकार है, चाहे वो ग्राम सभा का अधिकार हो, चाहे हमारे रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे हमारा 1932 का खतियान का अधिकार हो, जो हमारा पहचान है उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है और तब तक लड़ते रहेगी जब तक कि हर गांव के लोग कि यहाँ विकास नहीं हो जाता, जब तक यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करते रहेगी। और आने वाले 20 तारीख को आप सभी से यही अनुरोध है, जैसे कि आप लोगों ने सदियों से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास किया है दशकों से, इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास करके अपना कीमती वोट
तीन धनुष छाप पर जो एक नंबर पर है उसी पर बटन दबाकर यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा को विजय बनाए, ताकि जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी है जो यहाँ के हक अधिकार और पहचान के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ के विकास और प्रगति के लिए लड़ रहे हैं, उसमें तेजी ला पाए। और ज्यादा ना कुछ करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा, सबको जोड़ा।